तमिलनाडु के वेलूर जिले में वेलूर नगर को निर्वाह करने वाला वेलूर निगम स्वच्छ भारत योजना को सार्थक रूप देने के लिए नगर भर में कहीं भी कूड़े कचड़े इकट्ठे न होने देने के उद्देश्य से निगम के कर्मचारी अपने अपने गाड़ियों का उपयोग करके कूड़े कचड़े निकाल रहे हैं। गृह की स्त्रियां भी अपने घर के कूड़े कचड़ों को प्लास्टिक आदि कचड़े और साग बाजी के कचड़े आदि विभाजित करके अलग अलग कूड़े दानों में इकट्ठे करके सड़क पर आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सौंप देती हैं। एक बार प्रयोग करके फेंकी जाने वाली प्लास्टिक चीजों पर कानूनी रोक लगाकर एक गैर प्लास्टिक समाज का निर्माण हुआ है। ये कैसे संभव हो पाया है? वेलूर नगर के लोगों के बीच में स्वच्छता योजना के बारे में जागरूकता जगाने से ही यह फल मिला है। वेलूर निगम के कर्मचारियों ने स्कूलों में जाकर वहां के छात्र छात्राओं में वेलूर निगम के कमिश्नर और नगर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोगों के समक्ष आकर प्लास्टिक पर की रोक व स्वच्छ भारत अभियान आदि का विवरण देकर उनके मन में एक जागरूकता पैदा करने में सफलता पाई है। और शिक्षक महान को भी उपदेश देते हैं कि इस बारे में वे जोर से जागरूकता पैदा करना है। मेरे घर में भी रोज सवेरे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल करके अलग अलग करके लेते हैं। हमारे स्कूल में भी हम वैसे ही अलग अलग रखते हैं। छात्र छात्राओं अपने घरों में भी इसे अपने माँ बाप से कह के पालन करने का प्रणाम लेते हैं। वेलूर निगम अपने निगम के सभी मंदिरों में कूड़े कचरे इकट्ठे न होने और प्लास्टिक पर लगी रोक का जागरूकता बनाने में सफलता पाई है। हम यहाँ प्लास्टिक चीजों यूज नहीं करता, आप भी यूज नहीं करने का। आप सबका कोऑपरेशन चाहता हूँ मैं, आप सब प्लास्टिक थैलियां यूज करना छोड़ दो। देवी की पूर्ण कृपा आप सबको मिल जाएगा। होली कुरान में स्पष्टता से बताया गया, एक आदमी के पास मानसिक और शारीरिक शुद्धता नहीं है तो उनका प्रार्थना को अल्लाह नहीं मानेगा। हमारे गांव में है जो 76 जमात में ये नवंबर और दिसंबर एक महीने के लिए हम सब लोग कचरे को बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल करके देना हमारा कर्तव्य है और एकल उपयोग प्लास्टिक को बिल्कुल बंद करना चाहिए। इस आदेश को हमें पालन करना चाहिए, ये आपसे मेरा विज्ञापन है। वेलूर जिले के कमिश्नर स्वयं समक्ष आकर देने वाले उपदेशों को मानकर मुसलमान लोग मस्जिदों में शुक्रवार के दिन प्रार्थना के बाद अल्लाह ताला ने कुरान में सफाई के बारे में ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला साफ़ और सुथरे नहने वालों को बहुत पसंद फरमाते हैं। ये नहीं कि इसमें मज़हब की कोई तफरीक नहीं है और इसमें मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि अलहक मज़हब में हर एक अकीदा रखने वाले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इस्लामी हो, चाहे वो गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, तमाम के लिए हुक्म है कि वो अगर पाक व सफाई के साथ रहते हैं और इसी तरह पाक व सफाई को अगर पसंद करते हैं तो अल्लाह ताला भी उन्हें पसंद फरमाते हैं। कूड़े कचड़े को विभाजित करने और प्लास्टिक पर की रोक आदि के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं। यह समाज और वेलूर निगम पर उनके विश्वास का परिचारक है। हमारे चर्च के लोगों सुनो, हमारे प्रभु ने बाइबल में बोला है हम सब कुछ साफ सुथरा रखना है। हमारे लिए हमारे सभा में आके ये वेलूर कॉर्पोरेशन ने स्वच्छता के बारे में समझाया हमको, हम चारों ओर स्वच्छ रखना है। हमसे कितना हो सकता है उतना मदद करना हमारे कॉर्पोरेशन को, हमारे जगह को, हमारे घर को स्वच्छ रखना चाहिए। वेलूर निगम के उपदेशों को मानकर ईसाई लोग भी अपने गिरजाघरों में कूड़े कचड़े को विभाजित करने और प्लास्टिक पर की रोक आदि विषयों पर जागरूकता पैदा करते हैं। इस प्रकार वेलूर नगर की स्वच्छता में उनका सहयोग भी एक कारण है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं है। वेलूर निगम के कर्मचारियों सभी घरों में जाकर घर वालों को उपदेश देते हैं कि अपने घर के कूड़े कचड़ों को कैसे विभाजित करना है, और ये भी जोर से कहते हैं कि इसके बाद अलग अलग कूड़े दानों देना है। वेलूर निगम में कहीं खाली भूमि अगर कूड़े कचड़ों से भरा हुआ देखें तो वहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना का एक बोर्ड लगाते हैं, उसमें यह लिखा है कि
यह जगह सामान्य उपयोग के लिए चुना हुआ है। इससे जगह का मालिक डरकर तुरंत उस जगह को साफ करते हैं। वेलूर निगम के कमिश्नर स्वयं समक्ष जाकर स्वच्छ भारत और स्वच्छ तमिलनाडु, खासकर वेलूर नगर, कूड़े कचड़ों और प्लास्टिक से मुक्त नगर बनाने में लगे हुए हैं। इस प्रकार की जागरूकता के कारण ही वेलूर में कहीं भी कूड़ेदान नहीं है। प्लास्टिक पर की गई रोक पर भी जागरूकता फैलाकर सभी निगमों में वेलूर निगम ही स्वच्छ भारत अभियान को अच्छी तरह चलाया है। हमारे गांव में कचरा और कचरा के डिब्बा दोनों नहीं दिखाई देगा। नमस्कार।